आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड समेत देश दुनिया की बड़ी खबरों को। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की है। मायावती ने गुरुवार को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की होने वाली बैठक का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कुछ ठोस पहल की जाएगी। भारतीय बाजार में आएगी जबरदस्त तेजी, इकोनॉमी की रफ्तार से ज्यादा बढ़ती है बाजार की चाल। अमेरिका, जापान और चीन है इसका उदाहरण। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो उसका शेयर बाजार उसकी रफ्तार से ज्यादा तेज चलता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले टॉप 3 देश अमेरिका, जापान और चीन के शेयर बाजार से यही संकेत मिलता है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था भी अगले कुछ सालों में तेजी से चलेगी और यहाँ का बाजार उससे भी तेज चलेगा। 50 दिन में कोरोना के रिकॉर्ड, 1 करोड़ मामले बढ़े। संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ती दिख रही है, लेकिन संक्रमण के मामले में भारत दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में मंगलवार को कुल संक्रमण का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया। देश में पिछले 50 दिन में संक्रमण के 1 करोड़ मामले बढ़े हैं। इनमें से 50 लाख मामले पिछले 36 दिन में सामने आए हैं। कोरोना से मौत के मामले में भी भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में इस महामारी से 3,09,000 मौतें दर्ज की जा चुकी है। झारखंड के युवा मांगे रोजगार, ट्विटर पर छिड़ा आंदोलन तो जेएमएम विधायक ने भी किया समर्थन। झारखंड के युवा 21 जून से 3 जुलाई तक नियुक्ति वर्ष का अंतिम संस्कार मना रहे हैं। ट्विटर पर शुरू इस अभियान में अब तक 5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस अभियान को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदीप कुमार सोनू ने नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि युवा अधीर ना हो। वर्ष 2021 को राज्य सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, यह जुमला नहीं है, गठबंधन सरकार की यह शपथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जेएमएम विधायक के ट्वीट को रीट्वीट किया है। झारखंड में बनाए जाएंगे 38 जगहों पर पीएस प्लांट, एजेंसी नियुक्त। केंद्र सरकार ने भेजी फाइल, सूची और गाइडलाइन। पीएम केयर फंड से अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए झारखंड में कुल 38 पीएस प्लांट बनाए जाएंगे। इसकी फाइल सूची केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 18 जून को भेजी गई है, साथ ही गाइडलाइन भी बताई गई है। ये प्लांट किस अस्पताल में किस एजेंसी द्वारा बनाए जाएंगे यह भी बताया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएम केयर फंड से कुल 1,215 पीएस प्लांट की स्वीकृति दी है। इसमें से 38 प्लांट झारखंड में लगाए जा रहे हैं। झारखंड में कुल 56 पीएस प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से 18 प्लांट राज्य सरकार और सार्वजनिक उपकरणों द्वारा बनाए जा रहे हैं। चाईबसा से खुशखबरी के साथ साथ दुख भरी खबर। दोनों हाथ नहीं है तो जांघ पर लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से भी की टीका लगवाने की अपील। गुलशन लोहार के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत इतनी है कि उन्होंने एक जागरूक नागरिक होने का उदाहरण पेश किया है। गुलशन लोहार के दोनों हाथ नहीं है तो उन्होंने अपनी जांग पर वैक्सीन लगवाई, जिसे देखकर आसपास मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उनकी तारीफ की। झारखंड की बेटी ने कुश्ती में लहराया परचम, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। झारखंड के और मांझी के रहने वाले चंचला अब राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने विदेश जाएगी। यूरोप के देश हंगरी में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। चंचला एक छोटे से गांव से निकलकर अब विदेशों में भी अपना नाम और अपने साथ झारखंड का नाम रोशन कर रही है। चंचला की उम्र महज 15 साल की है और वह रांची के और मांझी की रहने वाली है। चंचला ने बताया कि वह झारखंड के एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी। वहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं पर कोच बबलू से चंचला की मुलाकात हुई, तब महज 11 साल की थी, लेकिन उसने एक बेहतर गाइड पाने के बाद कुश्ती में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब चंचला सफलता के इस मुकाम पर पहुंच गई है। झारखंड अनलॉक 4 में और मिलेगी राहत, 1 जुलाई से निजी स्कूलों को खोलने की मांग। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति कुछ और राहतों के साथ बढ़ सकती है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यानी बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अगले सप्ताह के लिए आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि सरकार ने विश्व प्रसिद्ध देवघर के श्रावणी मेला को लेकर अब तक कोई बैठक नहीं की है। अब तो पूरी संभावना है कि इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की कोरोना जाँच की जा रही है। राज्य में
22 अप्रैल से लागू लॉकडाउन के कारण संक्रमण की स्थिति बहुत हद तक संभली है। इसके बाद सरकार ने थोड़ी थोड़ी राहत देते हुए राज्य को अनलॉक करना शुरू किया। आंशिक रूप से बाजार खुलने के बाद अन्य क्षेत्र के लोग भी राहत की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने TAC का किया गठन, CM होंगे पदेन अध्यक्ष और विभागीय मंत्री उपाध्यक्ष। झारखंड सरकार ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी TAC का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन TAC के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि TAC में अध्यक्ष सहित कुल 18 सदस्य होते हैं। TAC आदिवासी हितों की रक्षा के लिए काम करती है। आदिवासी बहुल राज्यों में TAC का गठन होता है, जो मिनी विधानसभा की तरह काम करता है। आदिवासी हितों से जुड़े मसले TAC से पास होना आवश्यक होता है। झारखंड में TAC का गठन पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी और मूलवासी के हित के लिए किया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छठी JPSC रद्द करने की मांग। छात्रों का कहना है कि छठी JPSC परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने 7 जून को अवैध घोषित करते हुए JPSC के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था, लेकिन हेमंत सरकार ने अभी तक उन अधिकारियों को पद मुक्त नहीं किया और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की है। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र सफी इमाम ने कहा कि JPSC भ्रष्टाचार की जड़ है, यहीं से भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैल रहा है। इसके लिए झारखंड के युवाओं और बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है और JPSC में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, तब जाकर झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।